मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भाटापारा के दौरे पर है, जहां वो आदिवासी गोंड समाज मावली महासभा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दौरे के दौरान सीएम सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और टंकराम वर्मा भी उनके साथ शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम आज बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्हें बताया गया था, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री लगातार वो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और आज का भी ये कार्यक्रम कुछ ऐसा ही है। आदिवासी गोंड समाज मावली महासभा कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़ी सौगात दे सकते हैं आदिवासी समाज को। इसके साथ ही सांस्कृतिक भवन और का लोकार्पण करेंगे और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगे। और उनके साथ कौन कौन जा रहा है? बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और मंत्री टंकराम वर्मा जाएंगे। आदिवासी समाज के लिए हितकारी बताने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने हेमंत सोरेन पर कटाक्ष किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देश भर में जिस तरह से भाजपा सक्षम आदिवासी नेतृत्व दे रही है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्रियों के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, यह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। यह देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज का अपमान है, हनन है, मानहानि है। जीवन भर अपने कृत्यों से सोरेन परिवार जिस तरह आदिवासी समाज को बदनाम करता रहा, वह भी निंदनीय है। जो भी इन्होंने लिखा है सीएम विष्णुदेव साय ने और लिखकर पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करूंगा। रवि, जेल से छूटकर आए सोरेन तो हमलावर हो गए विष्णुदेव साय, क्यों हुए? क्या झारखंड चुनाव की बिगुल बज गया है, आहट फूंक दी गई है और ओडिशा के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सीएम विष्णुदेव साय को? देखिए, आपने बड़ी संभावना का कयास लगा दिया है तो ये सही होगा ही, ये तय है। लेकिन जो हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था, हेमंत सोरेन लगातार जेल से छूटने के बाद, जमानत मिलने के बाद वो लगातार कह रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान हो रहा है। SC ST एक्ट के तहत उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, ED के जो अफसर हैं उनके खिलाफ रांची के। तो उसके बाद से लगातार एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है झारखंड से कि आदिवासियों का अपमान हो रहा है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री है वो सभी रबर स्टैंप है, इस तरह का बयान हेमंत सोरेन दे रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि आपके काले कारनामे, आपके अपराध से आपको मुक्ति नहीं मिली है, अभी ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। सिटी एक्ट 1989 की बात की जाए तो अधिकारियों के लिए युक्त संरक्षण रहता है, यानी कि अधिकारी तो अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट हेमंत सोरेन ने बड़ा खेलने की कोशिश की है, लेकिन जानकारी सच्चाई उसकी कुछ इतर ही है। युक्त संरक्षण अधिकारियों को रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी में उनके खलल ना आए। निश्चित रूप से नितेश, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की एक कोशिश है कि लगातार जो एक छवि उनका, जो छवि जिस प्रकार से देश में उनकी खराब हुई है, एक मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि SC ST एक्ट के तहत अधिकारियों पर दबाव बना लिया जाए, लेकिन दबाव नहीं बनेगा। और जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई आगे भी बढ़ने लगी, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए विष्णुदेव साय का जवाब उनके लिए हावी हो सकता है। और आने वाले समय में जो विस्तार न्यूज की संभावना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री झारखंड की भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जैसे उड़ीसा को उन्होंने निभाया था, उड़ीसा में चुनाव जितवाया था, वैसे ही झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी मिल सकती है। नितेश, और एक चीज तो साफ हो गई कि अब आदिवासी वर्ग का नेतृत्व करने वाला बड़ा चेहरा बनकर जो है सीएम विष्णुदेव साय खुलकर सामने आ गए हैं। एक चीज और देखने को मिलती है, जो प्रतिनिधित्व की बात बार बार कही जा रही है, इस प्रतिनिधित्व की बात को विपक्ष के भी जो तमाम हुक्मरान हैं, नेता हैं, वो भी दबे मन से तो स्वीकारते हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, इसके पहले ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास, वो भी बीजेपी ने बनाए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं वर्गों का प्रतिनिधित्व दे रही है। और इसी प्रतिनिधित्व की बात भी स्ट्रीट में सीएम विष्णुदेव साय ने की है, याद दिलाया है और तमाम चीजें कही।
निश्चित रूप से नीतीश एक बड़ा एक एक्शन है बीजेपी का। आप देख लीजिए देश भर में जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उसमें खासकर आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहां पर मोहन यादव को बनाया गया है। और मोहन यादव को हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, खासकर बिहार में और ऐसे राज्य जहाँ पर यादव समाज के वोट बैंक ज़्यादा हैं वहाँ मोहन यादव को भेजा जाता था। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय को देख लीजिए, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं, छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हैं और आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में विष्णुदेव साय का जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पर हमलावर होना, ये साबित करता है कि आदिवासी समाज का बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, बताइए एक ट्वीट पर इतना भी विस्तार हो सकता है, आपने कभी सोचा है? और जगहों पर नहीं सोचा ना, इसीलिए विस्तार न्यूज देखा करिए, क्योंकि इस गहराई से हम ही बताते हैं सियासी कानूनी तमाम पहलुओं को। आगे बढ़ते हैं और कांकेर में कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है, उसी की बात करते हैं। कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट की हार की समीक्षा की जाएगी। कवासी लखमा हारे थे और बीरेश ठाकुर हारे थे कांकेर और बस्तर की लोकसभा सीट से। इस बैठक में हार का कारण ढूंढने के लिए तमाम जो है कमेटी पहुंची हुई है। कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक में हरीश चौधरी प्रदेश सह प्रभारी, विजय जांगड़े, चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद। तामेश्वर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। तामेश्वर, वीरप्पा मोइली भी पहुंच गए हैं, क्या कुछ वहां कार्यक्रम चल रहा है ये बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, और कौन कौन से वहां नेता पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और क्या कुछ उन्हें निर्देश दिए गए आज इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, वीरप्पा मोइली जी दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन उनकी जगह जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है समीक्षा समिति के हरीश चौधरी है, प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगड़े हैं, चंदन यादव है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, ये जो है कांकेर के रेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। और कांकेर लोकसभा अंतर्गत 6 जो विधानसभा सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बालोद हो या फिर धमतरी का नौगरी हो या केसकाल हो। कांकेर की बात करें तो कांकेर में सावित्री मंडावी यहां पहुंची हुई है और बंद कमरे में जो है समीक्षा की जा रही है। आखिर हार का कारण का तलाश ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है 4 विधानसभा सीटों में लीड जो है उनकी कम थी, बीजेपी अत्यधिक लीडों से जीती हुई थी। कांकेर जिले की ही बात करें तो अंतागढ़ विधानसभा में जो बंग समुदाय पखांजूर क्षेत्र है 33,000 वोटों से बीजेपी लीड की थी। इन्हीं सब कारणों की जो है समीक्षा अंदर की जा रही है। स्थानीय जो नेता है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो भी जो है बंद कमरे में उनसे समीक्षा की जा रही है। बाद में जो है उनके साथ 1-on-1 जो है चर्चा भी जो आए हुए हैं समीक्षा बैठक के लिए। अरे तामेश्वर भाई, सरकारी खबर मत बताओ यार, थोड़ा सा विस्तार दो ना। कवासी दादा भी पहुंचे हैं, क्या कुछ है? रायपुर में तो गुस्सा हो गए थे, क्या वहां पर भी पहुंचे हैं? चुनाव हारे हैं, गुटबाजी की बात चल रही थी, ये सब भी मुद्दे आ गए हैं, इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? देखिए नीतीश, बस्तर लोकसभा की बात करें तो बहरहाल जो है बस्तर लोकसभा से अभी यहाँ कोई नेता नहीं पहुंचा है। कांकेर लोकसभा से ही जो है जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, जो पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। और हार के कारण का तलाश किया जा रहा है, आखिर कांकेर लोकसभा में भी क्यों पदाधिकारियों ने काम नहीं किया, क्यों जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कि जिस तरीके से हम चुनाव में देख रहे थे झंडे से डंडे गायब है, उसी की समीक्षा जो है अंदर की जा रही है। झंडे से डंडे गायब हैं और अब समीक्षा से कार्यकर्ता गायब हैं, पदाधिकारी गायब हैं, ये दोनों भी जो है ये स्थितियां सही नहीं है। बहरहाल तामेश्वर, नजर बनाए रखिएगा, जो भी बैठक होगी फिर एक बार दर्शकों को अपडेट देंगे जैसे ही इसमें कुछ अगला घटनाक्रम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर महतारी वंदन योजना की अगली किस्त कल यानी कि सोमवार को जारी की जाएगी, जहां प्रदेश के 70 लाख महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि अब तक 70,12,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका है, कल संभवतः फिर से प्रदेश की सभी महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा खांसी आ गई थी। बहरहाल रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जुड़ूंगा और तमाम जानकारी के लिए बातचीत करूंगा। रोहित, बहुत बड़ा दिन है, जांच की बात ठीक लगभग 20 से 25 दिन पहले आई थी कि कई लोग फर्जी तरीके से जुड़ गए हैं, क्या वो जांच के लिए कुछ आगे बढ़ा? और नहीं बढ़ा तो क्या पूरा एक बार फिर से 70 लाख महिलाओं के खातों में पैसा आने वाला है? क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल नितेश, देखिए जांच होगी और जांच को लेकर अभी समय तय नहीं हुई है, लेकिन इसके अगर इतर देखा जाए तो कल 5वीं किस्त जारी होने वाली है और तमाम 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते पे 1000 रुपये की राशि विभाग की ओर से जारी की जाएगी और इस विभाग की राशि बैंक अकाउंट पे महिलाओं के खातों पे जो क्रेडिट होने के लिए वो 3 दिन का वक्त लगेगा, यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के भीतर में ये राशि जारी हो जाएगी। और इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जानकारी दी है, उनका यह कहना है कि कल यह राशि जारी हो जाएगी और जो सरकारी प्रक्रिया है उसके मुताबिक क्योंकि कई बैंक के सर्वर एक साथ डाउन रहते हैं तो ऐसे में अलग अलग दिन जो महिलाओं के खाते पे है वो राशि पहुंचती है और 5 तारीख के भीतर तमाम महिलाओं के खाते पर राशि पहुंच जाती है। और रही बात जांच की तो इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, कांग्रेस भी इसको लेकर सरकार को घेर रही थी, सरकारी महकमा भी ये तैयारी पे था कि जो महिलाएं गरीब वंचित नहीं है या फिर जिनका नाम ऐसे जुड़ा हुआ है उनका जांच किया जाए तो उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो कुल मिलाकर अभी सभी बहनों के खातों में पैसे आएंगे और जो भी अगर गलत तरीके से जो खबरें थीं जो खुद महिला बाल विकास मंत्री ने कही थीं उन पर अभी इंतजार है। खबर एमसीबी से है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से, जहां बंजारी डांड गांव की पुलिया का निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। गांव की खबर है लेकिन प्रमुखता से दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि चैनल में गांव की खबर ना दिखाया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। 40 लाख की लागत से बन रही है ये पुलिया और इसमें किस जो सामग्री लगाई जा रही है उसकी गुणवत्ता खराब है, ऐसी भी खबरें हैं। रेत से लेकर गिट्टी तक की क्वालिटी बेहद खराब है और जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है उसे सुनिए। मेरे वार्ड में 8वां नंबर वार्ड में एक पुल 9 लाख का बन गया है, जो कि वो पुल पुराना रात से बन रहा था। तो फिर जब मेरे वार्ड के पंच ने विरोध किया तो उस पुल को उप सरपंच ने रात को वापस ले गया, उसके बाद नया रात ला के लाग दिया था और वो जेसीबी से वो गड्ढा कोड़ाने के बाद वो पुल बना है और पुल को देखे कितना फटा है, नहीं फटा आप खुद जगह जाके देखे हैं। उसके बाद एक और पुल बना है उसी रोड में, वो जरूरत नहीं था वह पुल वहाँ बनने का है, बताइए वो पुल जरूरत नहीं था, वो ढोला लगने के काम बन जाता, 60-70 हज़ार बन जाता वो पुल और उस पैसा बचता तो कम से कम रोड में काम आता। इधर कोंडा थाना क्षेत्र के दामापुर चौकी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। अवैध रूप से मवेशियों को पिकअप वाहन में ठूंस ठूंस कर कत्ल खाने ले जाने का आरोप इन पर लगा है, जिन्हें पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आरोपी का नाम बेदराम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। और बलरामपुर जिले में रामानुजगंज शहर में लगातार 12 घंटे से बिजली गुल होने से लोगों को अच्छी खासी परेशानी हुई। बिजली और अधिकारियों के मोबाइल बंद होने से भी लोगों को खूब परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि इलाके में दोपहर 3 बजे से बिजली गुल हुई, जहां अंधेरे में कीड़े मकोड़े निकलने को लेकर लोग ज्यादा परेशान थे। कुंडा थाना क्षेत्र से संगीन घटना सामने आई है, जहां नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि युवती के परिजनों ने आरोपी राजू बंजारी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद ही घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी की। और सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने नशीली इंजेक्शंस को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों के पास से लगभग 50,000 रुपए का इंजेक्शन बरामद किया गया है और अब इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा से सनसनीखेज का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने 4 पहिया गाड़ी का कांच तोड़कर 15 किलो चांदी के जेवर लूट लिए। जेवर की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और CCTV को भी खंगाल कर जो है सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा के बनहिल गांव से चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने दुकान के सामने खड़ी गाड़ी के सामान को चोरी कर लिया। बताते चलें कि इलाके में ये तीसरी बार
चोरी की घटना है, चोरों ने दुकान को निशाना बनाया है, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है और घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई है। मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस तरह से लगातार चोरियों पर विराम क्यों नहीं लगा पा रहा है। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीती है, पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ की जनता के भी चेहरों पर मुस्कान है, लोग जश्न में डूबे। कांकेर में भी जीत का जश्न मनाया गया, देर रात शहर की सड़कों पर लोग निकलकर आतिशबाजी करते नजर आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए, भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए और ये तस्वीरें आप देखें। तो जीत के रंग में रंगा कांकेर नजर आया, देश नजर आया, मध्य प्रदेश नजर आया और छत्तीसगढ़ नजर आया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीरें हैं और कांकेर की ये खूबसूरत तस्वीरें, तिरंगे पर तिरंगों को हाथों में थामे हुए देशवासी कांकेर वासी नजर आ रहे हैं और इंडिया इंडिया किनारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बताइए किस तरह का उत्साहजनक माहौल है और पूरा देश खुशी मना रहा है। विश्व कप ODI की हार का जो है दर्द वो दूर हो गया है और देशवासियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। कवर्धा में भारत की जीत का जश्न दिखा, सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आए, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज की। भारत की जीत के बाद लोगों के चेहरों में भारी खुशी, भारत की रोमांचक जीत पर लोगों ने खुशियां मनाई। 17 साल बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप में जीत मिली, देर रात शहर की सड़कों पर लोगों ने आतिशबाजी का जश्न खूब जश्न मनाया और कवर्धा में भारत की जीत के बाद जमकर आतिशबाजी के साथ लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और नाच करते हुए दिखाई दिए। हैरान कर देने वाली खबर है, जहां मेडिकल दुकान संचालक ने बहुत खराब कारनामा किया। 55 वर्षीय महिला की गांव की मेडिकल की ही दुकान में क्या है सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद महिला की हालत गंभीर है, अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सर्जरी के बाद महिला से 23,000 रुपए लिए गए, पाइल्स की दवाई खरीदने गई थी ये महिला, वहां फार्मासिस्ट ने ही सर्जरी कर दी और उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उसकी जान पर बन गई। वाड्रफ नगर के पंडरी गांव का मामला है और दूर दराज के इलाकों में इस तरह के ये टुटपुंजे और झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका ये जो है उसकी बानगी है और हैरान कर देने वाली दुखद तस्वीर है ये। मेडिकल दुकान संचालक का ये कारनामा सामने आया है, 55 साल की महिला की गांव के ही मेडिकल दुकान में इसने सर्जरी कर दी और अब इसके बाद गांव की महिला की हालत गंभीर है, जान पर बन पड़ी है और अंबिकापुर के अस्पताल में अब उनका इलाज किया जा रहा है। 23,000 रुपए भी उनसे ऐंठ लिए गए और रुपयों के साथ साथ उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। राशन का इंतजार कर रहे होंगे तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि 1 से 3 जुलाई तक राशन नहीं मिलने वाला है। राशन दुकानें 3 दिनों के लिए बंद रहेंगी, 3 दिनों तक डाटाबेस शिफ्टिंग का काम चलेगा, विभागीय डेटाबेस को नए सर्वर में ट्रांसफर किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को यह जानकारी दी है, सर्वर ठप होने की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। लगातार राशन की जो कतारों में लगकर आपको अपने फिंगरप्रिंट आपके डेटा के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, अब इन 3 दिनों की मुश्किलों के बाद उससे निजात मिलेगी और आपका जो सर्वर है, आपके राशन जो मिले उसके सर्वर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है।